तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं, अभी मैं आया हूँ यहाँ पे पिज्ज़ा खाने, और देखते हैं पिज्ज़ा खा के कितना मज़ा आता है। तो ये है मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे, मैं पिज्ज़ा खाने के लिए नहीं आया हूँ। जैसे मैं अभी आते रहता हूँ क्योंकि मेरी ऑफिस भी बाजू में है, और आप लोग देख सकते हैं अभी ये बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पर। और कौन सा पिज्ज़ा मंगाते हैं, ये ऑर्डर करते हैं, और यहाँ का कुछ देख सकते हैं आप, ब्यूटी किस प्रकार से बनाया हुआ है उन्होंने, डिज़ाइन किया हुआ है। और ये पूरा खाली, अभी कोई है नहीं यहाँ पर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, और ये 571 रुपीज़ का पड़ा है, जिसका ये एक्चुअली 544 रुपीज़ का है, और यहाँ पे GST के साथ में 571 रुपीज़ का है। तो दोस्तों ये है आलू के कुछ फ्राइज, और ये चटनी के साथ खाते हैं, और चटनी से बहुत ही अच्छा होता है ये चटनी के साथ में। दोस्तों हम लोगों के सामने पिज्ज़ा आ चुका है, और ये काफ़ी अच्छा होगा, अंदर से अभी मन में खुशी हो गई है। और देखते हैं ये पिज्ज़ा अनबॉक्सिंग करते हैं, और पिज्ज़ा फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है ब्रेड, और इसके साथ में है यहाँ पे पनीर, टमाटर और कुछ प्याज के टुकड़े। दोस्तों पिज्ज़ा इतना अच्छा था कि अब सब लोगों ने खा लिया है, पेट भर के खा लिया, और एक भी बाइट छोड़ा नहीं है। तो चलो दोस्तों ये वीडियो एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।